हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। और आज मैं आपको कोलगेट से क्लीन करना दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लास्क क्लीन करेंगे। जो ये फ्लास्क है, हम ट्रेवल के टाइम पे इसमें मिल्क अगर आपके साथ बेबी है तो कैरी करते हैं, या फिर बंद पड़े पड़े भी इसमें स्मेल सी आ जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोलगेट। हाँ, ये वही कोलगेट है जिससे हम ब्रश की सहायता से दांतों को साफ करते हैं। तो इसमें इस फ्लास्क में हम थोड़ा सा डालेंगे कोलगेट, और कोलगेट डालने के बाद जो बॉटल साफ करने वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प से हम इस तरह से क्लीन करेंगे इसे। इससे कितनी भी गंदी स्मेल आ रही हो आपके फ्लास्क के, या फिर कोई सामान रखते हैं तो उस सामान की स्मेल आ जाती है, वो सारी दूर हो जाएगी। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप सिंपली इस तरह से बॉटल को बंद करके सेक कर दें। सेक करने के बाद भी आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से नॉर्मल वाटर से हम इसे वॉश कर लेंगे। इसके बाद हम इसे धूप में रख देंगे और सुखा करके बंद करके रखेंगे, तब कोई स्मेल नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे। एंड ये है हमारी सेकंड टिप्स। जो टाइल्स होते हैं उसके बीच बीच में आप देख सकते हैं इस तरह से तेल की गंदगी बैठ जाती है। खासकर जो किचन के टाइल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो हम एक ब्रश की हेल्प से कोलगेट लेंगे और इस तरह जहाँ गंदगी है हम सिर्फ वहीं लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे टाइल्स में लगा लेंगे। पूरे टाइल्स पे लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे एक स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इस तरह से क्लीन कर लेंगे हल्का सा पानी लगा करके। एंड उसके बाद गीले कपड़े से हम इसे पोंछ लेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइल्स एज इट इज़ नए की तरह तो नहीं चमक रही है, लेकिन पहले से काफ़ी हद तक क्लीन हो गई। तो आप इसे 2 से 4 बार यूज करेंगे तो पूरी जो टाइल्स के बीच वाली जो गंदगी है वो गायब हो जाएगी। तो नाउ अब ये है हमारी टिप्स नंबर 3। लाइटर को साफ करना तो हमें याद ही नहीं रहता है, और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है लाइटर कभी आटे के हाथ से टच करते हैं या किसी भी हाथ से, तो इसमें गंदगी बैठती जाती है। तो इस तरह से हम स्क्रॉच ब्राइट लेंगे और उसमें डालेंगे कोलगेट और इस तरह से इसे क्लीन कर लेंगे। इसे हमें पानी से नहीं धोना है क्योंकि पानी से धोने पर लाइटर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे कपड़े से पोंछ लेंगे। बहुत ही मतलब 2 से 3 सेकेंड में ही आपका जो लाइटर है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें चमक आ गई है और इसे हमें धोना भी नहीं पड़ा। और यह है टिप नंबर 4। अभी अब मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी बेबी का कड़ा। आप देख सकते हैं इसे पहनते पहनते या फिर रख के भी चांदी जो है काली पड़ जाती है। तो इस तरह से हम ब्रश की हेल्प से इसमें कोलगेट लगा लेंगे। बहुत ही कम मेहनत में ये एकदम नए की तरह हो जाएगा। आपको सोनार के पास इसे पॉलिश करने या नया करने के लिए नहीं देना पड़ेगा। इसे लगा करके हम 10 मिनट के लिए एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हम ब्रश की हेल्प से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। थोड़ा सा जो डिज़ाइन वाला एरिया है वहाँ पर ब्रश लगाएंगे, जिससे कि जो डिज़ाइन में भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। बस बहुत ही इजीली ये सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। चांदी का आप कोई भी सामान इस तरह से साफ कर सकते हैं, पायल बिछिया या कोई भी चीज़ आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर देंगे। और आप देख सकते हैं खुद ही कड़ा पहले कैसा था और अब कैसा है, एकदम नए की तरह ये चमक गया है। और अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे कोलगेट, और आप देख सकते हैं कि जो टैप होता है जो किचन का खासकर, वो खारे पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस तरह से हम स्कॉच ब्राइट में ले लेंगे कोलगेट, और जिस तरह से हम साफ़ कर रहे हैं वीडियो में उस तरह से आप इसे क्लीन कर लें। अगर बहुत ही ज़्यादा आपका टैप गंदा है, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया हो, या एक जगह गंदगी बैठ गई है, तो वहाँ पे आप कोलगेट लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे क्लीन करिए, तो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है। तो बस इसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से जो हमारा टोटी है वो एकदम बिल्कुल नए की तरह चमक जाएगा। तो बहुत ही ईजी टिप्स हैं ये जो आप कोलगेट की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। जो पूरी टिप्स मैंने बताई उसमें आप एक टिप्स में 2 मिनट या 1 मिनट इतना ही टाइम लगा है। तो आई होप कि आपको इस तरह के टिप्स पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।